Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of legal lectures के अंदर हमारा आज का subject Muslim Personal Law. हमारा topic या question बहुत ही ज़्यादा interesting है. Marriage, kinds of valid marriage, जो कानूनी शादियाँ हैं उनकी कितनी इकसाम है. Irregular and void marriage. Irregular marriage कौन सी होती है और void marriage कौन सी होती है. Irregular निकाह कौन सा होता है और void निकाह कौन सा होता है. इसके अंदर आज हम वली के concept को भी discuss करेंगे कि वली की परमिशन का होना ज़रूरी है या नहीं. इसके अंदर आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो मेजोरिटी की एज को पहुंच जाते हैं बच्चे, क्या वो खुद से निकाह कर सकते हैं. इसके अंदर हम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो कि आजकल अक्सर फ़ोन कॉल्स के ऊपर होता है. हेलो, हाय, बेबी जानू, जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या आपसे शादी करना चाहता हूँ, जी मुझे कबूल है, किसी भी लविंग नाम के साथ जब एक कपल, लड़का लड़की एक दूसरे को पुकारते हैं, तो क्या फ़ोन पर जो ये कॉन्वर्सेशन होती है, ये डिस्कशन होती है, ये जिसको हम लव डिस्कशन भी कहते हैं, जिसको हम रेड हार्ट डिस्कशन भी कहते हैं, तो क्या ये डिस्कशन शादी के ज़मरे में तो नहीं आती, निकाह के ज़मरे में तो नहीं आती. क्या अगर लड़का लड़की फ़ोन कॉल पर भी एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और आगे से एक्सेप्टेंस आ जाए, तो क्या ये निकाह होगा. अगर होगा तो फिर क्या लड़की दूसरा निकाह कर सकती है बग़ैर तलाक लिए जिसके साथ फ़ोन पर डिस्कशन करते हुए ये अल्फाज बोले गए. इन तमाम चीज़ों को आज कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे. लेक्चर को मिस ना कीजिएगा एंड तक इस तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बरवकत और टाइमली मिलते रहे. जीत बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है. फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ. मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है. फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए. मेरी फीस आपके ऊपर तब एप्लीकेबल होगी अगर मेरे इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिलता है और अगर वीडियो और लेक्चर अच्छा लगा तो आपके ऊपर एक और एप्लीकेबिलिटी भी इम्पोज होती है, वो ये कि मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अगर अच्छा लगे और लाइक भी किया करें. अगर अच्छी ना लगे तो बेशक लाइक ना करें, शेयर भी ना करें और अगर फ़ायदा भी ना मिले तो बेशक मेरी फ़ीस भी पे ना कीजिएगा. तो ये 2 चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज हैं विद टर्म्स एंड कंडीशन. लाजमी नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज हैं. अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें, फ़ायदा मिले तो फ़ीस भी पे करें. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर. मैरिज, शादी, जब 2 लोग किसी भी मज़हब के मुताबिक, अगर हम इस्लाम की बात करें तो हम इस्लाम में रहते हुए बात करते हैं कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक अजाब व कबूल में, हक महर की सूरत में, गवाहान की मौजूदगी में जब निकाह करते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड मैरिज और ये लीगल निकाह कहलाता है. लीगल मैरिज कानूनी शादी कहलाती है. अब इसके अंदर बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं. इरेगुलर मैरिज भी हैं, वाइड मैरिज भी हैं, ऐसी शादियाँ भी हैं जो कि अगर कुछ चीज़ें उनके अंदर कमो बेशी करके प्रोसीड की जाए तो वो रेगुलर मैरिज बन जाएगी और ऐसी शादियाँ भी होती हैं और मेजोरिटी इस तरह की शादियाँ, इस तरह के निकाह होते हैं जो सिरे से वाइड होते हैं लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से हम उनको भी निकाह समझ लेते हैं और ज़िंदगी भर इसी गुनाह के अंदर हम अपने आप को लेकर चलते रहते हैं. लेक्सिकल मीनिंग ऑफ मैरिज, इट्स मीन द यूनियन ऑफ 2 पर्सन, पार्टनर्स एट्सेट्रा, आपको पता होगा. इंटरप्रेशन ऑफ मैरिज, ये भी एक एज यूजल बात है, इसको ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. काइंड्स ऑफ मैरिज, सबसे पहले जी वैलिड मैरिज, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी शादियां हैं जो वैलिड हैं, वो कौन से निकाह हैं जो वैलिड हैं. फर्स्ट इसका इसेंशियल, ये जितने भी इसेंशियल मैं आपको बताऊंगा इनमें से अगर एक भी मिस हो गया तो वो शादी निकाह वैलिड नहीं रहेगा. एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर करवाई जाए, प्रपोजल क्रिएट हो, ऑफर करवाई जाए और आगे से एक्सेप्टेंस हो. ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का विद कंसेंटली और बगैर किसी इन्फ्लुएंस के होना ज़रूरी है. ऑफ़र भी अपनी मर्जी से करवाई जाए, अपनी खुशी से, और एक्सेप्टेंस भी खुशी से की जाए तो तभी यह वैलिड होगा. अगर ऑफ़र ज़बरदस्ती करवाएगी या एक्सेप्टेंस ज़बरदस्ती करवाएगी या ऑफ़र करवाने का वाले की बिहाफ के ऊपर कोई और ऑफ़र करवा रहा है और एक्सेप्टेंस करने वाले की बिहाफ के ऊपर कोई और एक्सेप्ट कर रहा है तब भी ये वैलिड नहीं होगा. ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस शुड बी वेलफुल, अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होगी. बोथ ऑफ द ब्राइड एंड ग्रोम शुड बी मेजर इन एज, दोनों दुल्हा और दुल्हन मेजर होंगे अपनी एज में. बोथ ऑफ शुड बी नॉन महरम फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए नॉन महरम होंगे, ना महरम होंगे.
फिक्सेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डॉवर, डॉवर की रकम फिक्स की जाएगी, डॉवर की रकम कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर हमने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, इसी सीरीज में आप देख लीजिएगा। जेंडर शुड बी अपोजिट, जो जेंडर है वो मुखालिफ होना ज़रूरी है, यानी कि लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, बॉय बॉय के साथ, गर्ल गर्ल के साथ निकाह के बंधन में नहीं बन सकती। एग्जिस्टेंसी ऑफ विटनेस, गवाहान का होना ज़रूरी है, मौजूद हो वहाँ पर, ताकि वो इस चीज़ की सनद रखें, इस चीज़ का रिकॉर्ड रखें कि लड़का और लड़की में निकाह के दौरान क्या मामला तय पाए, हक महर कितना था, आया वाकई ही इनका निकाह हुआ, आया लड़के ने ऑफ़र दी, आया लड़की ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया, इन तमाम चीज़ों की वो रिकॉर्ड के तौर के ऊपर, सबूत के तौर के ऊपर सनद रखें, इसलिए गवाहान का होना ज़रूरी है। दे शुड बी मुस्लिम बाई फेथ, दोनों मुसलमान हों। यहाँ पर एक चीज़ काबिले जिक्र, यहाँ पर एक चीज़ की एडिशन करता चलूँ कि अहले किताब के साथ निकाह हो सकता है, ईसाई यहूद या जो भी कोई अहले किताब होगा, जो दीन के ऊपर होगा, वहदानियत के दीन के ऊपर होगा, उसके साथ निकाह हो सकता है। बट ये भी एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन ये एक फिका का, लेकिन ये एक शरी मसला है, इसके ऊपर हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जी वाइड मैरिज, ऐसी कौन सी शादियाँ हैं जो वाइड होंगी, कलदम होंगी, जिनकी कोई कानूनी शरी इखलाकी हैसियत नहीं होगी। उसके एसेंशियल्स, फर्स्ट नॉन एग्जिस्टेंसी ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर ही नहीं करवाएगी, ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ऑफर तो करवाई, एक्सेप्ट किसी और ने कर लिया, माँ ने कहा दिया जी कब मेरी बेटी को कबूल है, बाप ने कह दिया मेरी बेटी को कबूल है, जो अक्सर वली की शर्त रखते हैं कि वली का होना ज़रूरी है, ये बात उनके लिए कि वली का होना सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि वो अपनी बेटी के पैगाम को आगे पहुँचा सके, ना कि अपनी मर्जी थोप सके। अपनी मर्जी की सूरत में वली की तरफ से किया गया निकाह वाइड होगा, कलदम होगा, गैर कानूनी, गैर शरी होगा। ये अल्फाज खालसतन औरत की मर्ज़ी के होने चाहिए कि मुझे कबूल है, ना उसकी माँ के, ना बहन के, ना भाई के, ना बाप के, किसी भी वली उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, और रिप्रेजेंटेशन आप अपनी कंसेंट से देते हो किसी को। मैं एक वकील हूँ तो मुझे कोई कोर्ट के अंदर वकील तब हायर करेगा जब उसकी मर्ज़ी होगी, मैं ऐसे किसी के केस को जाकर नहीं लड़ सकता, अंडरस्टूड बात है ना। मेरा काम है प्लीड करना केस को, मेरा काम है इंटरप्रेट करना, कोर्ट के अंदर समझाना, बट मैं कोर्ट के अंदर समझाऊंगा तब जब मुझे पार्टी वहां पर इंगेज करेगी, मुझे पार्टी वहां पर अपना वकील बनाएगी, अपना वकील करेगी, मुझे वकालतनामा देगी, मुझे पावर ऑफ अटर्नी देगी कि जी आप हमारे इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर एक पार्टी मुझे पावर ऑफ अटर्नी ही नहीं देती, मुझे वकील हायर ही नहीं करती, मुझे वकील ही नहीं करती अपना कोर्ट में, तो मैं कैसे ऐसे किसी के केस में जाकर पेश हो सकता हूँ? तो क्या ये इखलाकी तौर पर या कानूनी तौर के ऊपर जायज़ है? ये मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं जायज़। क्योंकि मैं अगर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा, अपना वकील बनाऊंगा, तो अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगा, कोई खुद से अपनी मर्ज़ी से मेरा वकील नहीं बन सकता। तो लिहाजा ये बात भी काबिले जिक्र है कि वली बाप या भाई औरत की मर्ज़ी से होगा कि ये मेरा वली है, ये बाप है या भाई है, जो भी उसका खानदानी मर्द होगा, जो उसका महरम बड़ा होगा, बाप हो सकता है भाई, तो वो इनडायरेक्ट औरत की मर्ज़ी से होता है। अब यहाँ पर हमारे सिस्टम ये है कि हम खुद से ही एक बाप, हाँ जी कबूल है जी मेरी बेटी नू, माँ कबूल है जी मेरी बेटी नू, तो ये निकाह नहीं होता, ये निकाह की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता। ये अल्फाज खालसतन औरत के होने चाहिए कि मुझे फ़लाँ मर्द इतने हक महर में कबूल है। वेयर द कंसेंट इज़ टेकन बाई अंडर इन्फ्लुएंस, जहाँ पर मर्जी ज़ोर ज़बरदस्ती से ली गई हो, चाहे लड़के से या लड़की से, वहाँ पर भी निकाह वाइड होगा। हमारी सोसाइटी का ये इफेक्ट भी है कि ज़बरदस्ती लड़की का निकाह करवा देते हैं तो वो निकाह नहीं होगा, वो ज़िंदगी भर इंटर कोर्स के ज़मरे में, जिना के ज़मरे में आएगा। जो उससे बच्चे पैदा होंगे वो भी इलेजिटमेट होंगे, हराम के बच्चे होंगे, वो कतन कतन निकाह के ज़मरे में नहीं आता। और अगर किसी का ऐसा निकाह हुआ है तो उनको चाहिए कि रजू करें, तौबा करें और दोबारा से ही अपना निकाह करें, दोबारा से एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो इससे पहले निकाह नहीं है अगर ज़बरदस्ती कंसेंट ली गई है किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से। एग्जिस्टेंसी ऑफ फोर्ट्रेज, फोर्ट्रेज के बारे में पिछले लेक्चर, फोर्ट्रेज के बारे में हम पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, दूध पिलाई के जो रिश्ते होते हैं। मैरिज विद द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स की वाइफ से शादी करना जबकि वो किसी दूसरे के निकाह में हो, तब भी ये वाइड होगा, कतन हराम है, इसकी इजाज़त नहीं। अब आते जी इरेगुलर मैरिज, ऐसी कौन से निकाह हैं, ऐसी कौन सी शादियाँ हैं जो ना जायज़ है ना नाजायज़, दरमियान में है। अगर ये टर्म्स ख़त्म कर दे तो जायज़ बन जाएंगे, अगर टर्म ना ख़त्म करेंगे तो ये नाजायज़ बन जाएंगे। यानी कि इरेगुलर, अगर उसके अंदर कुछ कमी कोताही कर दें, कुछ कंडीशंस को, टर्म्स एंड कंडीशन जो कि नहीं होनी चाहिए, जो उसके अंदर मौजूद है, अगर उनको हटा दिया जाए तो फिर वो रेगुलर मैरिज बन जाएगी। उनमें से मैरिज विदाउट विटनेस, बगैर गवाहान के शादी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अक्सर लड़का लड़की फ़ोन के ऊपर भी जॉबों कबूल कर लेते हैं, ऑफ़र आती है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये अल्फाज भी खालसतन हैं निकाह के, ज़रूरी नहीं है कि मैं
फ़लाँ एंड फ़लाँ इतने हक मेहर में आपसे निकाह करें, आपको कबूल है? मैं अगर आपसे, अगर कोई शख्स ये बोल दे कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो ये भी निकाह की ऑफ़र कंसिडर की जाएगी और इसकी एक्सेप्टेंस कबूलियत तसव्वुर की जाएगी निकाह की। और अगर ये लड़का किसी लड़की को, अक्सर फ़ोन पर भी हो जाता है कि मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ आपको इतने हक मेहर के अंदर आपको, आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ, आपको कबूल है, और लड़की तीन दफ़ा अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, तो ये दोनों निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन ये निकाह ना तो रेगुलर है ना ही वॉइड है, इरेगुलर है। अब अगर इस निकाह का दो विटनेस को पता चल गया तो फिर ये निकाह रेगुलर हो जाएगा। अगर दो विटनेस को पता नहीं चलता तो ये इरेगुलर तो रहेगा, बट इस निकाह को ख़त्म करने के लिए भी प्रॉपर डिवोर्स का प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप के अंदर एक निकाह तो है। और इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में भी कहा है कि अगर लड़का और लड़की निकाह कर लें, ये अपने मुँह से इकरार कर लें कि हम शादीशुदा हैं, हम मियाँ बीवी हैं, तो उनके ऊपर किसी भी फॉर्निकेशन का या किसी भी और जो है वो तोहीन अमेज इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अगर वहाँ पर मौजूद दो लोगों ने सुन लिया कि लड़का लड़की ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, मियाँ बीवी, हमने निकाह किया, तो वो गवाहान तसव्वुर किए जाएंगे, वो अपने आप के अंदर, क्योंकि गवाह का मतलब होता है ना सुनना, तो जिस मर्ज़ी मुकाम के ऊपर कोई भी शख्स सुन ले। तो इस तरह से एक फैसला आया, इस तरह से एक केस आया था कोर्ट में, एक लड़का लड़की के ऊपर शक था, तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया कि जी आपस में फॉर्निकेशन कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में पेश होकर कहा कि जी हमने निकाह किया हुआ है। तो दूसरी तरफ के कौंसल ने, पुलिस के जो वकील थे, उन्होंने बोला कि जी अगर निकाह किया तो निकाह नामा दिखाएं या कोई गवाहान लेकर आएँ। तो वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क्स है कि ये पूरी कोर्ट ने सुना है कि लड़का और लड़की ने निकाह किया हुआ है, तो लिहाजा पूरी कोर्ट उसकी गवाह है। अब निकाह को रजिस्टर्ड करवाना सिर्फ टर्म अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए होता है, अदरवाइज़ वो निकाह का एसेंशियली एलिमेंट नहीं है। फ्यूचर के अंदर जो प्रॉमिसेज हुए हैं, जो भी लेन देन के मामला, ताकि आप ये सनद रहे कि लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ निकाह में है, इतना हक मेहर था, फलां फलां गवाहान की मौजूदगी में, ताकि रिकॉर्ड को निकलवाना आसान हो जहन नशीन रखने के लिए। अदरवाइज़ निकाह कागज़ के ऊपर रजिस्टर्ड करना इसेंशियल नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं। अगर रखवा लिया जाए तो बेहतर है, अगर ना लिखवाया जाए तो ये कोई इतनी बड़ी जो है वो नहीं कि इसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। लड़का लड़की आपस में भी निकाह कर लें और दो गवाहान को बता दें तो ये रेगुलर मैरिज होगी, ये प्रॉपर निकाह होगा। इस निकाह को ख़त्म करने के लिए, चाहे अगर गवाहान को नहीं बताया, तो प्रॉपर डिवोर्स लेना होगी। बगैर डिवोर्स के लड़का तो शादी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी फिर शादी दूसरी शादी कहलाएगी, दूसरा निकाह कहलाएगा, लेकिन लड़की बगैर तलाक लिए निकाह नहीं कर सकती। मैरिज विद अ वूमेन विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत के अंदर जो निकाह किया गया तो वो इरेगुलर होगा, जब इद्दत खत्म होगी तो वो रेगुलर बन जाएगा। मैरिज विद अ वूमेन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बाई फेथ, एक ऐसी लड़की जो गैर मुस्लिम है, अगर वो किसी ऐसे मज़हब के पैरोकार है जो वहदानियत को नहीं मानता, तो फिर तो ये बिल्कुल वाइड है। अगर वो वहदानियत को मानते हैं तो ये रेगुलर होगा। हाँ, अगर वो निकाह कर ले, अगर वो ये मज़हब इस्लाम को कबूल कर लेगी, मर्द या औरत, तो फिर ये रेगुलर मैरिज हो जाएगी। मैरिज विद टू वुमेन हु आर सिस्टर एट द सेम टाइम, एक दो औरतों से शादी करना जो एट द सेम टाइम बहनें भी हैं, तो ये निकाह भी इरेगुलर होगा। दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा तो दूसरी, दोनों के साथ निकाह इरेगुलर होगा, किसी एक को छोड़ेगा तो फिर दूसरी जो है वो रेगुलर होगी। एंड फिफ्थ मैरिज, और पांचवी शादी करना, चार शादियों की परमिशन है, पांच शादी कर ली है, तो ये इरेगुलर होगी, वाइड नहीं होगी। बाकी चार में से किसी एक को अगर डिवोर्स देता है तो ये रेगुलर हो जाएगी। काइंड ऑफ मैरिज अंडर शिया लॉ, वैलिड मैरिज शिया लॉ के अंदर क्या है? वैलिड मैरिज सच मैरिज विच इज़ लॉफुल इन द आई ऑफ लॉ एंड कम्प्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, जो जितनी भी लॉ की रिक्वायरमेंट है शरीयत की, उन तमाम को फुलफिल करना जरूरी है। वाइड मैरिज इज सच मैरिज विच इज़ अनलॉफुल इन द आई ऑफ लॉ एंड डज नॉट कम्प्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, जो शरीयत की लॉ की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं किया गया, उनको कंप्लीट नहीं किया गया। डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड इरेगुलर मैरिज एज टू रिस्ट्रिक्शन, एज टू इन्फोर्सिबिलिटी, ये इसके डिफरेंस है, एज टू लीगल सिस्टम, एज टू चिल्ड्रन लेजिटिमेसी, जो इरेगुलर होगा वहाँ पर जो चाइल्ड हैं वो इलेजिटिमेट नहीं होंगे, जो रेगुलर इरेगुलर मैरिज है वहाँ पर जो चाइल्ड हैं वो लेजिटिमेट होंगे, जो वाइड है वहाँ पर जो बच्चे हैं वो इलेजिटिमेट होंगे, हराम की कहलाएंगे। वे ऑफ अवॉइडिंग इरेगुलर मैरिज, इरेगुलर मैरिज से अवॉइड या इनकार कैसे किया जा सकता है? हर शोहर इनकार कर देगा जी मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ, या ज़बरदस्ती निकाह किया, सेम यही अल्फाज अगर औरत भी कह दे कि मुझे ज़बरदस्ती कंसर्न ले गई है, ज़बरदस्ती मेरा निकाह करवाएगा, तब भी वो जो मैरिज है वो वाइड डिक्लेयर होगी, कलदम होगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम हल्के अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल सर्कल्स में। दोबारा हाजिर हूँगा एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।